भैया आप मेरे को बताओ कि आपके यहाँ का जो ये वाला जो कुल्हड़ पीस है सो ये इतना ज्यादा फेमस केक है? बहुत सारा मतलब ढेरों चिकन का जो फ्लेवर है वो मिलेगा आपको। अच्छा। और वेजेस मिलेगा और चीज तो मतलब भर भर के गया हुआ है। ओके सो हेलो हाय नमस्कार टू ऑल माई फ्रेंड्स आउट देयर। सो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज मेरा एज एन प्लान था एज एन सुबह सुबह ये वाला ब्लॉग स्टार्ट करने का, पर मैं कर नहीं सका क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ। सो आज से करीब 3.5 months पहले मेरे एक स्कूल का एक फ्रेंड है, उसका नाम है अरूप, तो उसने मुझे एज एन एक फूड सेशन दिया था कि ब्रो तू अपने चैनल पर ये चीज़ ट्राई कर सकता है। तो उसका वो वाला फूड सेशन मेरे को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि वो चीज़ एज एन यूट्यूब शॉर्ट्स में एंड इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहे, तो मैंने सोचा कि आज वो चीज़ ट्राई कर ही लेते हैं इससे पहले कि कोई और ट्राई कर ले। सौरभ भाई आपका ये वाला वीडियो बहुत दिन पहले आने वाला था पर आज आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा आलसी हूँ। सो अगर तुम भी हो मेरी तरह खाने के शौकीन हैं, तुम्हें पसंद अलग अलग जगहों पे जाके वहाँ का खाना ट्राई करना मेरी तरह बहुत ही ज्यादा पसंद, सो मेरे इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दो। और हाँ, अगर तुम मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हो सो वेलकम टू माय चैनल, आई एम शुभम एंड यू आर विद द स्मेल गुरु, लेट्स गो। सो गाइस अभी मैं आके बैठ चुका हूँ यहाँ पे आमा स्ट्रीट फूड ट्रक के सामने। सो यहाँ पे ये वाला जो ट्रक है सो इसका लोकेशन है यहाँ पे खिजूर बगान, एसकेएम स्कूल के बिल्कुल बगल में है ये वाला प्लेस एंड यहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो फूड ट्रक है ये रोड के बिल्कुल साइड में, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज होने वाला है एंड यहाँ पे लाइटिंग वगैरह इतनी ज्यादा कुछ खास अच्छी नहीं है। सो हो सकता है कि इस वाले वीडियो में आप लोगों को नॉइज बहुत ज्यादा मिल सकता है, सो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। सो आज मैं यहाँ पे आया हूँ स्पेशल यहाँ का कुल्हड़ पिज्जा ट्राई करने के लिए। भैया आप मेरे को बताओ कि आपके यहाँ का जो ये वाला जो कुल्हड़ पिज्जा सो ये इतना ज्यादा फेमस केक है? हमारा होममेड एक सॉस है जो हम स्पेशली हम खुद बनाते हैं आपके यहाँ पे, वो आप लोगों का बिल्कुल सीक्रेट है, वो हमारा ट्रेड सीक्रेट है, आप लोग किसी को नहीं बताएंगे। चिकन का जो फ्लेवर है वो मिलेगा आपको और वेजेस मिलेगा और चीज तो मतलब भर भर के गया हुआ है उसमें। इनका यहाँ पे जो सॉस है उस पर जादू होने वाला है, ठीक है? नॉट ओनली ये वाला सॉस बल्कि हमारे यहाँ पर जितने भी सॉस आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी सॉस हम लोग घर में होममेड बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, उनमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, फूड का टेस्ट का जादू हमारा सॉसेस है और हमारा फ्रेश आइटम जो है। एंड यहाँ पे ये वाला जो कुल्हड़ पिज्जा है तो यहाँ पे इसका एज एन मेकिंग बहुत ही ज्यादा यूनिक है, यू लोग यहाँ पे बनाते हैं बिल्कुल तंदूरी स्टाइल में। सो ये चीज एज एन यहाँ पे दिखने में कमाल का लगता है। जब तक मेरा ऑर्डर आता है तब तक आप लोग देख लो कि यहाँ के भैया कैसे कुल्हड़ पिज्जा प्रिपेयर करते हैं एंड इसकी मेकिंग कमाल की होने वाली है। राइट सो यहाँ पे एज एन थर्ड टाइम के लिए वेट करने के बाद अभी फिलहाल के लिए मेरे हाथ में भी आ चुके हैं मेरे यहाँ का कुल्हड़ पिज्जा। तो यहाँ पे ये वाला जो कुल्हड़ पिज्जा है सो इसके ऊपर यहाँ पे इसके एज एन गार्निशिंग कमाल के बिल्कुल, सो इसके ऊपर यहाँ पे ढेर सारा चिली फ्लेक्स है, इसके साथ में यहाँ पे बहुत सारा चीज ये वाले जो फ्लेक्स है ना सो ये चीज यहाँ पे कमाल की दिख रही है। सो आई थिंक ये चीज भी खाने के लिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त होने वाली है। सो यहाँ पे इतना ज्यादा बात नहीं करते हैं, कुल्हड़ पिज्जा पे हाथ साफ करते हैं। सो अगरतला का कुल्हड़ पिज्जा एज द फर्स्ट बाइट It goes. तो यहाँ पे ये वाला जो कुल्हड़ पिज्जा है सो इसका टेस्ट यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल डोमिनोज के पिज्जा जैसा है। तो यहाँ पे एज एन जो चिकन है ना वो बिल्कुल स्मैश हो चुका है, सो ये चीज़ खाने के लिए कमाल की लगती है, एज एन मुँह के अंदर जाने के बाद ये बिल्कुल पिघल जाती है। सो इसका एक बाइट लेने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा है, सो ये चीज़ खाने के लिए मेरे को कमाल की लगी है। सो इसका प्राइस मेरे को यहाँ पे पड़ रहा है 130 का। सो एज कम्पेयर टू दिस प्राइस अभी तक तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे कमाल के लिए गया। सो इसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारे बेबी कॉर्न्स वगैरह है एंड इसके साथ में यहाँ पे बहुत सारा चीज़ एंड इसके ऊपर यहाँ पे जो सॉस है ना ये यहाँ पे ये वाला जो भैया है सो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ये वाले जो सॉस ये लोग जो यूज़ करते हैं ये इनका बिल्कुल होममेड होता है। सो यहाँ पे इसका एज एन लेयरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे इनका ये वाला जो मेन्यू है सो यहाँ पे एज एन बहुत सारे आइटम्स है, सो आप लोग इनमें से कुछ भी एक चीज़ ट्राई कर सकते हो एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ, ये वाला जो कुल्हड़ पिज्जा है सो ये चीज़ यहाँ पे इनके पास एज एन वेज में भी अवेलेबल है पर यहाँ पे एज एन दोनों का प्राइस यहाँ पे 130 का। तो उसमें एज एन चिकन के प्लेस पे होने वाला है पनीर, सो आप लोग वो चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पे ये वाला जो कुल्हड़ पिज्जा है सो इसका प्राइस मेरे को यहाँ पे पड़ा है 130 का, आई मीन के 130 का। सो एज कम्पेयर टू प्राइस एंड एज कम्पेयर टू टेस्ट इसको मिलता है 4 out of 5। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे खाने के लिए। सो आप लोग एज एन यहाँ पे आते हो सो यहाँ का एज एन कुल्हड़ पिज्जा आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो।
ओके सो भी मेरा खाना हो चुका है कम्प्लीट। सो आज मैंने ट्राई किया था अमा स्ट्रीट का कुल्लट पिज्ज़ा। सो मैंने आज ट्राई किया था वहाँ का नॉनवेज कुल्लट पिज्ज़ा। सो वहाँ का टेस्ट मेरे को कमाल का लगा था, पर वहाँ का जो पिज्ज़ा था, आई मीन जो कुल्लट पिज्ज़ा था, उसका प्राइस मेरे को पता था 130 का। सो आई गेस वो चीज़ थोड़ा सा शायद ज़्यादा है वहाँ, उसका जो प्राइस है वो आई गेस अगर 100 रुपीज़ के अंदर होता तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता। सो मेरे ऐसे जितने फ्रेंड्स अगरतला से देख रहे हो, सो तुम लोग मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताना कि तुम लोगों ने अमा स्ट्रीट का कुल्लट पिज्ज़ा ट्राई किया है कि नहीं। सो मैं अपने चैनल के रिगार्डिंग अपने रिगार्डिंग सारे अपडेट अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डालता हूँ। सो तुम लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम दिस इज मी द स्मेल गुरु साइनिंग ऑफ।